दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपका मोबाइल लोगों पर अटक रहा है और आप उसे फ्लैश करना चाहते हैं तो मान के चलिए अगर वो कूलकॉम सीपीयू है, कूलकॉम सीपीयू में जो अगर कोई भी कंपनी का मोबाइल हो, चाहे ओप्पो हो या वीवो हो या एमआई हो, किसी भी कंपनी का अगर मोबाइल हो, अगर वो कूलकॉम सीपीयू है, अगर वो लोगों पर अटक रहा है तो उसे आपको जो है कूल फ्लैश करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आप हमारे हाथ में दे सकते हैं, ये हमारे पास एमआई रेडमी 2 और इसका मॉडल नंबर जो है 20148, ठीक है। इस मोबाइल में जो प्रॉब्लम है कि ये लोगों पर अटक रहा है, ठीक है, तो इस मोबाइल को हम जो है इसमें फुल फ्लैश नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हमें फुल फ्लैश करने की जरूरत नहीं है। इसमें अगर हम कस्टम फ्लैश करेंगे तो हमारा मोबाइल जो है ऑन हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब भी हम अपने मिरेकल बॉक्स से किसी भी कूलकॉम सीपीयू को फ्लैश करते हैं तो उसमें कम से कम 1.5 से लेकर 1.25 घंटे तक का टाइम लगता है उसमें, और काफी टाइम लगता है। और अगर मान के चलिए अगर हम इसमें कस्टम फ्लैश करेंगे तो हमारा जो टाइम होगा वो 50% जो है लेस हो जाएगा, यानी आधे टाइम में हम जो है अपने मोबाइल को फ्लैश कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को आप लास्ट तक का देखते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे ईएक्स मन्नानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। आप सोचेंगे सब्सक्राइब करने से क्या होगा, दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी कोई नई वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को देख सकेंगे। अगर आप कंप्यूटर पर देख रहे हैं तो यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप मोबाइल पर देख रहे हैं वीडियो तो वीडियो के नीचे यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम अपने डिवाइस मैनेजर को ओपन कर लेते हैं, और डिवाइस मैनेजर ओपन हम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर जब भी हम अपने किसी मोबाइल को कनेक्ट करते हैं अपने सिस्टम से तो डिवाइस मैनेजर में हमें पता चल जाता है कि हमारा जो मोबाइल है वो कनेक्ट है कि नहीं, या हमारे मोबाइल का जिस मोबाइल को हम कनेक्ट कर रहे हैं अपने डिवाइस मैनेजर से, अपने सिस्टम से, अपने कंप्यूटर से, तो उसका ड्राइवर मिसिंग तो नहीं है। तो अगर मिसिंग रहेगा ड्राइवर तो यहाँ पे हमें जो पता चल जाएगा कि हमारा ड्राइवर मिसिंग है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि किसी भी मोबाइल को फ्लैश करने के लिए आप सबसे पहले डिवाइस मैनेजर में एक बार जरूर देख लें कि आपका जो मोबाइल है वो डिवाइस मैनेजर से बूट है, कनेक्ट है या नहीं, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो मिरेकल टूल है वो ओपन हो चुका है, और एक तरफ हमारा मिरेकल टूल है, दूसरी तरफ जो है हमारा डिवाइस मैनेजर है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डिवाइस मैनेजर में हमें अपने कूलकॉम सीपीयू को बूट कराने के लिए हमें सबसे पहले अपने मोबाइल का जो है बैटरी उसे निकाल देना है। बैटरी निकालने के बाद उसमें जो हमें यूएसबी डाटा केबल लगाना है, अपने कंप्यूटर से अपने मोबाइल से कनेक्ट करना है, और उसके बाद उसका वॉल्यूम प्लस और माइनस एक साथ दबा के रखना है हमें, और उसके बाद हमें बैटरी जो उसमें लगाना है, और जैसे हम बैटरी लगाएंगे और जैसे हमारा मोबाइल में जो वाइब्रेट करेगा तो उसके बाद हमें जो है वॉल्यूम प्लस और माइनस छोड़ देना है, और उसके बाद यहाँ पे जो हमारा जो है कूलकॉम सीपीयू का जो ड्राइवर दिखेगा और डिवाइस मैनेजर में, और जैसे दिखेगा उसके बाद हमें अपने मिरेकल टूल में काम करना है। उसके बाद हमें अपने मिरेकल बॉक्स में कूलकॉम टूल को जो है सेलेक्ट करना है, और कूलकॉम टूल को सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद हमें यहाँ पोर्ट पर क्लिक करना है, और पोर्ट में क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे जो है हमारा जो कूलकॉम का जो ड्राइवर है पोर्ट है इसे हमें यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फ्लैशिंग पे जाना है, फ्लैशिंग पे जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं राइट फ्लैश, एक है कस्टम फ्लैशर, ठीक है। तो हम आपको बताने वाले हैं कि कस्टम फ्लैशर से आप कैसे जो है अपने मोबाइल को फ्लैश कर सकते हैं, और अगर आपको फुल फ्लैश करना है तो इसके लिए मैंने पहले से वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और फिलहाल इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से कस्टम फ्लैशर से जो है अपने मोबाइल को फ्लैश कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जो है प्रोग्रामर फाइल को जो है सिलेक्ट कर लेना है, और प्रोग्रामर फाइल को सिलेक्ट करने के बाद हमें उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों कि राइट पार्टीशन पे हमें चेक लगा देना है, और उसके बाद हमें यहाँ पे जो है मॉडम में जो यहाँ पे हमें यहाँ सेलेक्ट करना है यूजर डाटा, ठीक है। तो यूजर डाटा हम जब सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद हमें सेलेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है, यूजर डाटा फाइल को हमें यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें स्टार बटन पर क्लिक करना है, और जैसे हमें स्टार बटन पर क्लिक करेंगे हमारा मोबाइल जो है फ्लैश होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर आप इस तरह से फ्लैश करते हैं तो आपका मोबाइल जो है इसमें जो टाइम है आपका बहुत ही कम टाइम लगेगा, यानी मान के चलिए आधा टाइम आपका लगेगा। अगर आप फुल फ्लैश करते हैं तो आपको जितना टाइम लगता है उससे आधा टाइम में आपका जो ये मोबाइल फ्लैश हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो जो है ज्यादा लंबा नहीं है, मात्र 5 मिनट का वीडियो है, आप थोड़ा पूरा देख लें आपको समझ में आ जाएगा। और अंत में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मोबाइल को जब फ्लैश करने के बाद मोबाइल को हमें कैसे सेटअप करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा मोबाइल जो है कंप्लीट फ्लैश हो चुका है। उसके बाद हम अपने मोबाइल को ऑन करेंगे, और उसमें जो है हमें थोड़ा सा जो है कुछ प्रोसेस करना होगा, हम अपने मोबाइल को सेटअप करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी काम आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ।
और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।